आज के डिजिटल युग में जब पैसे देकर करोड़ों नागरिक देश के किसी भी कोने से किसी भी प्रकार के सामान को अपने घर पर मंगवा सकते हैं, उस युग में भी राशन लेने सरकारी राशन के डिपो पर ही जाना पड़ता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने पंजाब में घर घर राशन योजना की शुरुआत की है, ताकि गरीबों को सीधे घर पर राशन पहुंच सके। अब सरकार निशुल्क और पौष्टिक राशन को आपके द्वार तक पहुंचाएगी। सो इस करके पंजाब सरकार थोड़ी अपनी सरकार है, असी आ राशन का जिहड़ा सिलसिला शुरू किया, इहदे च आटा भी है, जे कणक चाहिए है कणक दे देंगे, जे चक्की ते आटा पिहाउण दा तुसी कहे असी मैं आटा पिहाउण दे खज्जल खोरियां च पैणा चाहुंदा, मैनू पीसिया होया आटा दिओ, वो भी ताज़ा ही देवां, क्योंकि आटा पीसिया होया ज़्यादा दिन रह नहीं सकता, खराब हो जाता है, सानू पता है। जिस आटे दियां साडे मंत्री ते मैं जिहड़ा साडे घरें आटे दियां रोटियां बनदियां ने, उह जी क्वालिटी का आटा ही गरीबों नूं मिलेगा। यह नहीं हैगा भी बचिया खोचिया जां सुसरी वाला आटा जां खराब जिन्हों पशु भी नहीं खाते, वह जहाँ असी अनमनुखी विहार करिए, यह नहीं होगा जी। हर हफ्ते केजरीवाल साहब किसी न किसी स्कीम का उद्घाटन करना आते, असं बुलाने उन्होंने कि आओ जी देखो तुहाडी पार्टी जिहड़ी तुसीं बूटा लाया सी रामलीला ग्राउंड दे विच, वो पंजाब दे विच फल भी देण लग गई, छां भी देण लग गई, ते लोक उस बूटे की छां भी मान रहे हैं, फल भी मान रहे हैं, उस बूटे के फुल भी जड़े ने सुगंधियां बन रहे हैं, सारे बैठे साढ़े सारे वो फल फुल जड़े जड़े साढ़े दरम्यान तुसीं लखां की गिनती च आए। आज मैं आपको ये बता के जा रहा हूँ, ये जो घर घर राशन स्कीम पंजाब में चालू हो रही है, ये पंजाब तक सीमित नहीं रहने वाली, एक ना एक दिन आएगा आज से 5 से 10 साल के अंदर पूरे देश के अंदर घर घर स्कीम लागू होगी, ये इसको कोई रोक नहीं सकता, आने वाले समय में कोई रोक नहीं सकता, किसी पार्टी की किसी नेता की हिम्मत नहीं है, हर राज्य के अंदर चालू होगी, हर पूरे देश के कोने कोने में घर घर राशन स्कीम चालू होगी। अब कोई किसी की हिम्मत नहीं है, किसी नेता की हिम्मत नहीं है, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है जो गरीबों का राशन चोरी कर पाएगा। इस योजना से 1.46 करोड़ NFSA लाभार्थियों को लाभ मिलेगा और 1,500 से ज्यादा युवाओं को सीधे रोजगार का भी मौका मिलेगा, जो FPS दुकान प्रबंधक, ड्राइवर और डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करेंगे। लाभार्थियों को उनके गांव में राशन की डिलीवरी की सूचना पहले से ही SMS के माध्यम से मिल जाएगी। गेहूं को आटे में बदलने या फिर डिलीवरी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। राशन मासिक आधार पर वितरित किया जाएगा, जिससे कोई भी भंडारण या फिर समय सीमा संबंधित समस्या ना हो। नागरिकों को 5 या 10 किलो के पैकेट में पैक किया हुआ गेहूं या फिर आटा लेने का भी विकल्प मिलेगा। किसी भी सहायता, शिकायत या सुझाव के लिए एक टोल फ्री नंबर 1100 उपलब्ध है। साथ ही मार्कफेट 800 मॉडल फेयर प्राइस शॉप्स की स्थापना भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।